हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अक्षदा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे पुए, जो कि आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और आप वैसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये चलते हैं, भूखे रहते हैं, ख़राब नहीं होते सफ़र में। पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए अब हम बनाते हैं पुए। देखिए, ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया हुआ है, ये और ये मैंने, इसमें ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। नारियल को घिस लिया है, या आप बाहर बाज़ार में भी अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चिरौंजी मैंने डाल रखी है, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। 2 कटोरी आटे मैंने 1 कटोरी ये नारियल का बुरादा या नारियल के लच्छे आप बोल लीजिए डाले हैं, काट के भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें छोटे छोटे पीसेस भी करके डाले हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप इस तरह भी डाल सकते हो। ये मैंने इलायची कूट के रखी हुई है, आप इसको चाय में यूज़ कर लीजिए छिलके को, और इसके जो बीज हैं इसमें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। कम से कम आधा चम्मच के बराबर मैंने इलायची का पाउडर लिया है। और ये 1 कटोरी शक्कर है, इसको मैं थोड़ी तो साबुत डालूंगी है, या बजरंगबली बूढ़ो मंगल वगैरह पढ़ते हैं आप, उसमें भी बना सकते हैं, या विष्णु जी की कथा है उसमें भी पुए बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर मैंने थोड़ा सा वो घी को गरम कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा घी का मोयन देंगे। अच्छे से मोयन दीजिएगा, ताकि जब ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, घर में ही ये सब अवेलेबल रहता है। इस तरह आप मिला लीजिए, और फिर चीनी की इस तरह चाशनी आप बना के रखे रहेंगे, उसको आप इसमें इसी से सानिएगा, पानी एक्स्ट्रा मत लीजिएगा, नहीं तो फिर पुए मीठे भी नहीं बनेंगे और टेस्टी भी नहीं। और जो मैंने ये जो शक्कर साबुत डाली है इस आटे में, इससे ये बहुत अच्छा लुक देते हैं, क्योंकि शक्कर का जो दिखता है बाइट्स में वो बहुत अच्छा आता है। हाथ से ही बन जाते हैं, अगर आपसे हाथ से ना बने तो आप इसको बेलन की सहायता से भी बना सकते हैं। इस तरह आप इसको कर लीजिए। आपको कितने बड़े रखने हैं डो, उस हिसाब से पुए का साइज आप उतने बड़े इसको बना सकते हैं। पहले आप इस देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ पुए इस तरह बना लिए हैं। कुछ नहीं, आपको हाथ से इस तरह इसको बस हल्का सा प्रेस करना है। आप ये ना देखिए साइड से किस तरह से हो रहा, ये साइड से इस तरह बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और थोड़ा थोड़ा आप सब पे ऐसे शक्कर को स्प्रिंकल कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको इस तरह फ्राई कर लीजिए। अब हम एक एक करके इसको इसमें डाल देंगे। एकदम धीमी फ्लेम, मतलब लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। एकदम धीमी फ्लेम, मतलब लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे।
जिससे ये अंदर तक उसको तो बहुत पसंद है, सभी को घर में पसंद आते हैं। सुन लीजिए थोड़ी देर, इसकी खुशबू इस समय इतनी अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, पूरे बन के रेडी हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये शक्कर का जो इसमें आ रहा है, देखिए कैसे शक्कर दिख रहा है, क्रेमलाइज भी हो गई और कुछ जो साबुत है वो भी कितने अच्छे से आ रही है। इससे लुक इसका और अच्छा हो जाता है, दिखने में बहुत अच्छा। और ये अंदर से इतनी क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी। और इस समय ये समझ लीजिए मेरे किचन में इस समय इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, इतना बढ़िया खुशबू है कि जिसका मन ना होता हो वो खा ले। ये ऐसे हुए, आप इसको घर पे बनाइए, कभी भी खाइए, सफ़र में ले जाइए, काफ़ी दिन चलते हैं सफ़र में, बढ़िया है। दो खा लिए, पानी पी लिया, आप अपना एंजॉय कर रहे हैं, और जो आपको खाना पीना वो सब खाइए, बढ़िया है ये पुए, लाजवाब टेस्टी। और जिनको मीठा पसंद है उनके लिए तो बेस्ट चीज़ है, उनके लिए तो फिर क्या कहने। गाइस, आपको पसंद आए हो पुए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय गाइज़।